हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, एक तो सिस्टम जो ऑर्गन वगैरह है वो, और फिर उसकी प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद में कुछ अपन लंग्स की कैपेसिटी और वॉल्यूम भी करेंगे। तो ये आज अपना जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखो, जो मैकेनिज्म है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मैकेनिज्म में दो स्टेप है। एक तो अपन सांस लेते और एक सांस छोड़ते हैं। तो जो सांस लेते हैं उसे तो अपन क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, और जो छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। तो इनहेल या एक्सहेल, जिसे आप और कह सकते हो नॉर्मल। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एक अपना थोरेसिक केज होता है, या जिसको अपन क्या कह सकते हैं, वक्स पिंजर, पिंजरे जैसे स्ट्रक्चर है। और इस पिंजरे में या इस केज को बनाने के लिए अपने पास में ऑर्गन तो क्या है, लंग्स। और अगर दूसरी चीज अपन देखें तो यहाँ रिब्स। जब अपन स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब आप देखना कि अपने पास में 12 पेयर होते हैं किसके, रिब्स के। और वो जो रिब्स के पेयर हैं वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से लेके आगे अपने थोरेसिक पोर्शन तक आते हैं, और उसमें से जो है कुछ तो जुड़ी हुई होती हैं आपस में और कुछ जो है वो फ्री रहती हैं। और किससे जुड़ी रहती हैं, जब अपने आगे जो चेस्ट या ब्रेस्ट वाला एरिया होता है वहां पर एक बोन होती है, और उस बोन को बोलते हैं टाई बोन या स्टर्नम। टाई इसलिए क्योंकि टाई जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वैसे स्टर्नम और हिंदी में बोलते हैं उरोस्थि, तो उस तरीके से जुड़ी होती है। तो एक तो अपने साइड से तो इससे ढक गया कि पीछे से आई और आगे तक, और आगे जो टाई बोन है उससे वो अटैच हो गई। तो एक तो चारों तरफ से तो ये हो गया। फिर अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे एक मस्कुलर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं तनुपट या डायाफ्राम। अगर आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा तो आपको जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है इसको एक एक्सपेरिमेंट से बताया होगा कि एक बॉटल होती है, उसके अंदर अपन जो है दो गुब्बारे लगा लेते हैं और नीचे की तरफ भी एक हाफ करके गुब्बारा लगाते हैं। तो फिर अगर हम उसको खींचते हैं या अंदर की तरफ धकेलते हैं तो गुब्बारे फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो वही प्रोसेस हमारे यहाँ पर है। अभी जो बॉटल है, ये बॉटल क्या है, ये है अपना केज, पिंजरा है जिसमें लंग्स बंद है, और उसमें जो है अपनी पूरी जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम और ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से जो है एयर अंदर एंटर कर रही है या एयर बाहर निकल रही है। तो अब अगर अपन देखें तो सबसे पहले इसका पाथ देख लो कि पाथ में क्या क्या है। हालांकि कल अपन ने देख लिया था लेकिन फिर भी, सबसे पहले नॉस्ट्रिल या नासा द्वार, उसके बाद में नेजल कैविटी या नासा गुहा, फिर उसके बाद में जो है अंदर जो एक छिद्र होता है इंटरनल नेजल पोर, फिर उसके बाद में फेरिंग्स है, फिर उसके बाद में लैरिंग्स है, ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया जब डिवाइड होती है तो ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, और उसके बाद में एल्यूविलाई। ठीक है, और एल्यूविलाई के बाद में जो है आर्टरीज और वेन होती है जिसमें फिर ये पास होता है। तो इस तरह से जो है ये एक पाथ है जिसमें कि एयर एंटर करती है, या अगर अपन अपोजिट करें तो इसको उल्टा चलेंगे तो यहाँ से एयर फिर वापस से बाहर निकलेगी। अब अपन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में देखो, सबसे पहले अपन ले रहे हैं नी श्वसन या अंतः श्वसन या इंस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो इंस्पिरेशन है इसमें नॉर्मल है, जिसको इनहेलेशन भी कह सकते हैं कि इसमें जो एयर है वो एंटर करेगी, और एयर के साथ क्या एंटर करेगी, ऑक्सीजन। जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड या वो नहीं हो, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी। अब जब ये अंदर एंटर कर रही है तो जो रिब्स होती हैं उन रिब्स में जो है कुछ मसल्स होती हैं, और वो मसल मैं आपको डायग्राम में बता रही हूँ कि ये अपने, अभी मैंने आपको बताया कि 12 पेयर होते हैं, तो इन पेयर में जो है दो के बीच में जो है इस तरीके से क्रॉस रूप में मसल्स लगी रहती हैं। एक सिकुड़ती है तो दूसरी फैलती है, यानी एक में कॉन्ट्रेक्शन होता है दूसरे में रिलैक्सेशन होता है। तो इन जो मसल्स है इन मसल को अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स।
तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से या इनके रिलैक्सेशन से ही ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे इनको भी थोड़ा, पहले तो इंटरकोस्टल तो एक कॉमन नेम है, लेकिन फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल जो है इंटरनल इंटरनल कोस्टल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें भी दो टाइप हो गए, पहले तो नॉर्मल नाम तो क्या है इंटरकोस्टल जो रिप्स में होगी, लेकिन अगर अब अपन इसको पोजीशन के हिसाब से तो एक्सटर्नल इंटर कोस्टल और दूसरी होगी इंटर इंटर कोस्टल मसल। तो ये इस तरीके से दो तरीके की यहाँ में मसल्स हैं जिनके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से इनहेलेशन या एक्सहेलेशन यहाँ पे या निःश्वसन या उच्छ्वसन यहाँ पर होता है। अब देखो सबसे पहले जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है यानी बाहे आंत्रा पासुक, इसमें सबसे पहले क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन होता है, और जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होता है वैसे जो डायाफ्राम है वो डायाफ्राम भी क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सिकुड़ता है तो ये क्या हो जाता है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है यू शेप में, अगर आप उसको खींचोगे तो खींचने पे वो क्या हो जाएगी फ्लैट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा चपटा हो जाएगा, और जैसे ही चपटा होगा वैसे ही जो आपको ये कैविटी यहाँ दिख रही है इस कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर एयर का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। सारी चीजें देखो एक के साथ एक जुड़ी हुई है, सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद में जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा ये वॉल्यूम का कंपेरिजन अपन किससे करेंगे एनवायरनमेंट से, तो जैसे ही वॉल्यूम कम होगा वैसे ही एयर आनी अंदर चालू हो जाएगी, तो ये प्रोसेस तो क्या कहलाएगा निःश्वसन या इनहेलेशन। ठीक है, अब अपन दूसरा इसका देखते हैं कि यहाँ पे वही चीज अगर अपन उल्टी देखें तो दूसरा क्या है एक्सपिरेशन या उच्छ्वसन। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें गैसेस का बाहर निकलना है, तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अब कॉन्ट्रैक्ट होगी, पहले वहां थी और लेकिन यहाँ पे फिर डायाफ्राम क्या होगा रिलैक्स होगा, तो जैसे वो रिलैक्स होगा वैसे जो है एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो जो प्रेशर एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा किसके कंपैरिजन में एनवायरनमेंट के, और जो गैस है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये बस आपको ये चीज़ है वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, ये जो डायग्राम है ये दोनों डायग्राम आपको याद करने हैं, एक जो मसल्स वाला डायग्राम है वो आपको याद करना है, तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर स्टार्टिंग से बता सकते हो। तो ये तो है आपका नॉर्मल, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं तो उस समय जो है थोड़ा सा ये प्रोसेस कैसे होता है थोड़ा तेज होता है, लेकिन अगर नॉर्मल हम देखें जैसे रिलैक्स, रिलैक्स मतलब होता है नॉर्मल स्टेज, तो नॉर्मल स्टेज में अगर हम देखें तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है 16 to 20 पर मिनट इस हिसाब से आती है, तो ये और लेकिन अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये जो है पर मिनट 30-40 के आसपास भी यहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये यहाँ पर आपकी मैकेनिज्म हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम कर रहे हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी। अब ये वॉल्यूम और कैपेसिटी पे कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से मैं फॉर्मूला और आपको क्वांटिटी के हिसाब से इसको बताती भी चलूँगी। सबसे पहले देखो वॉल्यूम में है ज्वरीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीवी। अब ये क्या होता है जैसे अभी अपन नॉर्मल है तो नॉर्मल में कितनी आप एयर ले रहे हो और कितनी आप एयर छोड़ रहे हो, तो जो नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग हो रहा है और उस ब्रीदिंग में कितनी एयर ली जा रही है कितनी एयर छोड़ी जा रही है इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये लगभग होता है कितना 500 ml। ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार आ चुका है आपके नीट में, तो ये है 500 ml है वो नॉर्मल कंडीशन में जो आप एयर ले रहे हो या छोड़ रहे हो, दोनों चीज है यहाँ पे ये ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में देखो दूसरा है निःश्वसन आरक्षित आयन यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या उसको बोलेंगे IRV। अब ये कौन सा है, ये जब आप जबरदस्ती
या आप कह सकते हो बलपूर्वक अपन सांस ले रहे हैं, जैसे अपन कहते हैं ना ये आजकल बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम, तो उसमें हाँ भरो वायु भरो, तो वो जो भरना है जो कि आप जबरदस्ती अपने ले रहे हो सांस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं आई आर वी, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है 2500 ml, यानी 2500 से 3000 ml। तो ये किसकी है, जब हम जबरदस्ती सांस ले रहे हैं। उसी का अपोजिट ऊ श्वसन आरक्षित आयन, कि जब आप जबरदस्ती छोड़ो यानी फूंक मार रहे हो, तो जब आप फूंक मारते हो तब आप क्या करो जबरदस्ती अपने अंदर से भी जो है एयर को बाहर निकाल रहे हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं ऊ श्वसन आरक्षित आयतन या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV, और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है 1000 ml टू 1100 ml, यानी 1000 से 1100 ml। ठीक है, फिर उसके बाद में है अवशिष्ट आयन या रेसिड्यूअल वॉल्यूम या RV। अब आपने जबरदस्ती अपने उससे निकाल दी, फूंक मार दी, लेकिन उसके बाद भी जो आयतन आपके लंग्स में है जिसको आप नहीं निकाल सकते, अगर निकाल दोगे तो लंग्स क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे, तो जबरदस्ती यानी कि ERV के बाद जो बचा हुआ आयतन है उस आयतन को अपन क्या बोलते हैं रेसिड्यूअल या अवशिष्ट आयतन, और इसकी क्वांटिटी होती है 1100 से 1200, यानी 1100 टू 1200 ml। तो ये चार आपकी क्या हो गई वॉल्यूम हो गई, जिसमें एक नॉर्मल है, दूसरे में आप सांस जबरदस्ती ले रहे हो, तीसरे में आप सांस जबरदस्ती छोड़ रहे हो, और ये जब प्रोसेस आप छोड़ रहे हो तो उसके बाद में जो चौथी आपके पास बचती है लंग्स में उसे अपन क्या बोलते हैं अवशिष्ट आयन। तो ये चारों आपकी हो गई, और क्वांटिटी भी आपको बता दी, एक की 500 है, सेकंड वाले में 25 से लेके 3000 तक, और ERV आपकी 1000 to 1100 है, और रेसिड्यूअल है आपकी 1100 to 1200। तो ये तो आपकी हो गई। उसके बाद में फिर है कैपेसिटी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ये तो था वॉल्यूम, अब आ गई अपने पास में क्षमता कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में अपन पहली ले रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या IC। अब यहाँ पे आप सीधे जो ये फॉर्मूला है उस हिसाब से कर लोगे तो IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV, यानी कि TV आपके पास कितना है 500 है, ठीक है, और IRV अपन मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 3000, तो ये आपकी हो गई 3500, यानी कि 3500 जो है ये आपकी क्या कहलाएगी नी श्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी, यानी कि इतनी लंग्स में आप वायु को भर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी है इसी के अपोजिट उच्छ्वसित या EC, और EC में जो है अपने पास में जो फॉर्मूला वो क्या है EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV, यानी कि नॉर्मल वाली 500 और जो जबरदस्ती आप छोड़ सकते हो तो वो हो गई 1100। तो ये अगर आप टोटल करोगे तो ये आपकी आएगी 3600 या 3600। फिर उसके बाद में क्रियाशील अवशिष्ट यानी फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी FRC, ये अक्सर आती है, FRC आपकी क्या होगी FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, यानी कि जबरदस्ती से छोड़ी गई प्लस जो बची हुई है, तो ये कितनी हो गई 1100 प्लस 1200, तो ये आपकी हो गई 2300 के आसपास 2300। फिर उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी यानी हमारे जो लंग्स हैं उसकी कितनी वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता है, तो ये होती है VC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV, यानी कि 3000 प्लस 500 प्लस 1100, तो ये हो गई 4600। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद में लास्ट में फेफड़ों की कुल क्षमता, तो ये कहलाती है TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखो कभी कंफ्यूज मत होना, एक तो TLC नाम यहाँ आता है टोटल लंग कैपेसिटी, एक आता है आपका जब ब्लड की अपन बात करेंगे काउंटिंग में तो वहाँ पे भी आता है, तो ये ध्यान रखना जब अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे जगह फंस जाओ तो देख लेना किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है या जैसे यहाँ तो L का मतलब है लंग और वहाँ पे होता है ल्यूकोसाइट, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना TLC और
किसकी है, लंग्स की पूछ रहा है या ब्लड से रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो टीएलसी है वो वीसी प्लस आरवी, तो वीसी अपनी अभी 4600 आई थी, आरवी हमारी 1200 है, तो ये हो गई 5800। तो ये हो गई अपनी टोटल यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में देखो फिर है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी किसी वजह से, जैसे दम घुट गया या कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी वजह से कभी कोई गिर जाता है या कोई चीज़ फंस जाती है, तो उस वजह से जो है रेस्पिरेशन जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हो जाता है ट्रेकिया के आसपास। तो वो जो है उस समय, अगर आपने पिक्चर वगैरह में देखा भी होगा कि माउथ टू माउथ भी दिया जाता है, थोड़ा सा हर्ट है वहाँ पे, थोड़ा चेस्ट पे जो है प्रेशर भी डाला जाता है, प्लस थोड़े सी वहाँ मशीन वगैरह भी, तो वो शॉकिंग प्रोसेस दिया जाता है जिससे कि ये वापस से जो है हमारे लंग्स और हर्ट काम करने लगते हैं। तो इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसके बाद में कुछ यहाँ पर डिसऑर्डर्स भी दे रखे हैं, तो वो मैं ज़्यादा आपको इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, सब कराऊंगी। अब इसमें अस्थमा सबसे पहले, तो अस्थमा आपको पता है एलर्जिक जो डिजीज़ होती है उसे अस्थमा बोलते हैं, किसी भी वजह से वो हो सकती है लंग्स से रिलेटेड। फिर है ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस आपने ब्रोंकस पढ़ लिया है तो उसमें सूजन आ जाती है या उसमें कोई बलगम वगैरह आ जाता है तो वो कहलाता है। फिर है एम्फिसीमा, ये एम्फिसीमा है वो अधिकतर आता है, तो ये एम्फिसीमा क्या है कि जैसे जो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो एल्यूवेला है उसका स्पेस कम रह जाता है, तो धीरे धीरे जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है और उसको अपन बोलते हैं एम्फिसीमा। फिर है निमोनिया, तो ये जो निमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। और इसमें भी क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो है सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, तो उस वजह से ये बीमारी होती है। फिर है फेफड़ों का कैंसर, तो फेफड़ों का कैंसर आपको पता ही है कि जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो उससे जो है इसकी एल्यूवेलाई है या इसकी जो स्पॉन्जी वाली सिकुड़ने फैलने वाली ताकत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर है सिलिकोसिस और एब्सोस्टिस, यानी कि ये सिलिका और इस तरीके जो हार्ड मटेरियल होते हैं या जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उनमें चले जाते हैं, जिससे इनकी लंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें टीबी भी है, टीबी के कारण भी ये डिजीज़ हो जाती है। तो ये कोई डिजीजेज हैं या डिसऑर्डर्स हैं। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मतलब होता है कि लंग्स के अंदर जैसे अपने नाक में बाल होते हैं वैसे नाक जैसे बाल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। तो ये कुछ यहाँ पे डिजीजेज हैं जिनको भी आप कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।